हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी गाइड फैक्ट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं इसोमेप्रोजोल सोडियम, इसोमेप्रोजोल स्ट्रोंटियम एंड इसोमेप्रोजोल मैग्नीशियम कंटेंट के बारे में। नाउ हम बात करते हैं इसोमेप्रोजोल के इंट्रोडक्शंस की। तो इसोमेप्रोजोल अवेलेबल इन थ्री फॉर्म। इसोमेप्रोजोल जो कंटेंट है वो थ्री फॉर्म में अवेलेबल है। इसोमेप्रोजोल मैग्नीशियम लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। इसोमेप्रोजोल स्ट्रोंटियम कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। और इसोमेप्रोजोल सोडियम इज़ अवेलेबल एन इंट्रावेनस फॉर्म, ये आईवी फॉर्म में अवेलेबल है, विच इज़ ओनली गिवन बाय ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो ओनली हेल्थ केयर प्रोवाइड के सुपरविजन में देना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की। तो इसोमेप्रोजोल अगर हम लेते हैं कंटेंट, तो अपने को हेडेक, डायरिया, एब्डोमन पेन, कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन्स प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना, अल्टर्ड सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल है वो अल्टर्ड हो जाता है या फिर इम्बेलेंस हो जाता है। तो ये सारे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो हमें ये कंटेंट लेने से उत्पन्न हो सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को इसोमेप्रोजोल से हाइपर सेंसिटिविटी है या एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देते हैं। ये ड्रग्स प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में भी नहीं देते। प्रेगनेंसी में केस क्यों नहीं देते हैं कि बेस्ड ऑन स्टडी रिव्यू इट इज़ नॉट नाउन ऑफ ओमेप्रेजोल इसोमेप्रेजोल यूज इन प्रेगनेंसी कैन कॉज बिहेवियरल लर्निंग इशू फॉर द चाइल्ड। मतलब कि अगर ये कंटेंट किसी प्रेगनेंट लेडी को देते हैं, तो उसमें होने वाले बच्चे को बिहेवियरल या लर्निंग इशू हो सकता है, तो इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया गया है। अ फ्यू स्टडी रिपोर्ट दैट टेकिंग पीपीआई इन प्रेगनेंसी माइट इंक्रीज द चांस ऑफ अस्थमा इन द चाइल्डहुड। तो मतलब अगर एक स्टडी में ये भी पता किया गया है कि अगर किसी पेशेंट को या अगर किसी प्रेगनेंट लेडी को ये ड्रग्स दी जाती हैं, तो उसमें होने वाले बच्चे में अस्थमा के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, डोजेस ऑफ इसोमेप्रेजोल्स। एडल्ट डोज 20-40 mg ओडी 8 वीक्स। अब बात करते हैं उसके कंटेंट की। तो इसोमेप्रेजोल मैग्नीशियम जो होता है वो 20 mg ओरली ओडी देते हैं 4 वीक्स के लिए। इसोमेप्रेजोल स्ट्रोंटियम है वो 24.65 mg ओरली वंस ए डे, दिन में एक बार या ओडी 4 वीक्स के लिए देते हैं। इसोमेप्रेजोल सोडियम 20-40 mg ये आईवी इंजेक्शन से देते हैं, जो 4 वीक्स तक कंटिन्यूस देते हैं। अब बात करते हैं इस ड्रग्स के रूट की। तो ये ऑरल फॉर्म में होता है, जो लिक्विड टेबलेट और कैप्सूल फॉर्म में आती है, और इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। स्टोरेज, इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है, जो 20-25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और डायरेक्ट जहाँ पर सनलाइट आती है उससे दूर रखा जाता है। अब बात करते हैं इसोमेप्रेजोल के मैकेनिज्म की या फिर उसके यूजेस की। तो इसोमेप्रेजोल इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यह स्टोमक में एसिड अमाउंट को कम करता है और एसिड से रिलेटेड इनडाइजेशन और हार्टबर्न से राहत दिलाने में मदद करता है। यह जोलिंजर एलिजन सिंड्रोम, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें स्टोमक में गैस्ट्रिक एसिड का एक्सेसिव सीक्रेशन होता है, उसको कम करता है। और ये ड्यूडेनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स को ट्रीट करता है, रिफ्लेक्सस इसोफेजाइटिस को ट्रीट करता है, हीलिंग एंड मेंटेन ऑफ इरोसिव इसोफेजाइटिस, जो इसोफेजाइटिस की वजह से जो इरोशन होता है उसको हीलिंग मेंटेन करता है, सिम्टोमेटिक गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, सो GERD डिजीज है उसमें भी हेल्प करता है। इराडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी इन्फेक्शंस, जो एच पाइलोरी इन्फेक्शंस है उसको बॉडी से हटाता है, और प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीड एसोसिएटेड विथ नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज। मतलब जो एनसाइड जो ड्रग्स होती हैं उससे होने वाले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करता है। एक छोटी सी सलाह है या फिर एक वार्निंग है, जो अगर किसी पेशेंट में पाई जाती है तो आपको डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। क्या है, जैसे
स्टोमक प्रॉब्लम की तरह दिखने वाली हर्ट बेन या हर्ट बर्न, स्वेटिंग, आर्म, जो, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लाइटहेडनेस जैसे लक्षण अगर पाए जाते हैं किसी पेशेंट में, तो यह कॉमन सिम्टम्स ना होकर हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको प्लीज़ डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग आगे का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर मेडिगाइड फैक्ट यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। Keep supporting.